लोकसभा के सातों चरणों के चुनाव संपन्न हुए और सभी सात चरण के मतदान के बाद यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लखनऊ स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग का धन्यवाद किया, जनता का भी आभार जताया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की जनता से सम्मान दिखाया, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। इस दौरान प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इंडी गठबंधन पर नेगेटिव पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कई सीटों पर विपक्षी पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त होगी। और इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा अपना काम को लेकर जनता के बीच गई थी, वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव लोगों के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी से बाहर नहीं निकली। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चहुं ओर रहा है, विपक्षी गठबंधन के नेताओं में साहस की कमी रही और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। श्रीमती प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी से बाहर नहीं निकल पाई। चुनाव में मतदान करने की अपनी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रदेश और देश की जनता का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं।